हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मेरे सभी वीडियो देख सको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वेस्ट झाड़ू है, इसे अब झाड़ू तो लगाई नहीं जा सकती क्योंकि पूरी ख़राब हो चुकी है। तो इसको फेंकने से अच्छा है हम इसका कुछ बना लेते हैं, इसका यूज़ कर लेते हैं कुछ। देखिए सबसे पहले हम इसकी ये निकाल लेते हैं, इसको कट कर लेते हैं पहले हम सीजर से, जिससे कि हम इसको आसानी से निकाल सकें इसकी स्टिक्स को। देखिए हम इसके पार्ट्स निकाल लेते हैं, ये स्टिक्स जो इसमें पड़ी हुई है ये देखिए। हम इस प्रकार से ये वाली स्टिक्स निकाल के इकट्ठी करनी है अलग से, इसमें से निकाल लेते हैं हम। ये हम इसका हैंडल भी निकाल लेते हैं, इसका भी हम यूज करेंगे, लगाएंगे इसमें। इसको साइड कर देते हैं पहले। देखिए हम स्केल से इसको नाप लेंगे 25 सेंटीमीटर की। 25 सेंटीमीटर की हमें स्टिक्स कट करनी है। ये देखिए 25 सेंटीमीटर हम कटर से कट कर लेते हैं इसको। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम चारों तरफ कट लगा लेते हैं हल्के हल्के पहले, जिससे कि आसानी से टूट जाएगी। फिर ये चारों तरफ हम कट लगाते जाएंगे इसके। देखिए अब आसानी से टूट जाएगी यहीं से ही। ये देखिए थोड़ा फिनिशिंग करने के लिए हम सीजर से कट कर देते हैं, जिससे अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी इसमें। देखिए इस प्रकार से, इसी प्रकार से हम सभी स्टिक्स को नाप के इसके अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हमें 10 स्टिक्स यूज होंगी, तो हम 10 स्टिक्स कट कर लेंगे। देखिए हमें लेना है इनको स्टिक्स को, इस प्रकार से रखेंगे हम। 5 नीचे रखनी है हमें स्टिक्स, इस प्रकार से लाइन वाइज। अब 5 स्टिक्स को हम इसके ऊपर रखेंगे। देखिए इस प्रकार से हम इसको हॉट ग्लू से पेस्ट कर देंगे। देखिए आहिस्ते से पकड़ के नीचे की तरफ, जैसे कि वो हिलेंगी नहीं, आराम से इसको पेस्ट कर देंगे हम। फ्रेंड्स, वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, कि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए प्लीज़ कमेंट्स करना ना भूलिएगा। ये देखिए लास्ट वाली भी हम पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए कंप्लीट हो गया। ये जो हमने हैंडल निकाला था इसको भी हम पेस्ट कर लेते हैं इस प्रकार से। देखिए ग्लू लगा के जहाँ पर वो स्टिक्स क्रॉस में थी वहाँ पर ग्लू लगा लेते हैं, पेस्ट हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से इसको हम पेस्ट कर देते हैं। देखिए पेस्ट हो गया ये। इसमें हम झाड़ू में से हमने निकाली है ये, इसमें भी हम इसकी हम घास बना लेते हैं। घास बनाने के लिए हम इसमें ग्रीन कलर कर देते हैं। ग्रीन कलर करने से इसमें प्रॉपर घास का लुक आ जाएगा। आप चाहो तो इसमें कम ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, जितनी आपकी मर्जी है आप उतनी घास यूज़ कर सकते हो। इसको हम सुखा लेते हैं, जब तक सूखेगी जब तक हम अपने थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। इसको लेस लगा लेते हैं इसमें थोड़ी सी, ऊपर और नीचे वाला हिस्सा, क्योंकि थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, तो इससे कवर भी हो जाएगा और देखने में भी लुक अच्छा आएगा इसका। इसको कट कर देते हैं कॉर्नर में, पेस्ट कर देते हैं, अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। देखिए नीचे भी लगा देते हैं पतली वाली लेस। बीच में हम स्टोन पुट कर देते हैं, देखिए इस प्रकार। साइड में हम इसके लीफ लगा देते हैं। ये पेपर से बनाई हुई लीफ है, मैंने खुद बनाई थी, ये मैंने कई वीडियो में दिखाई भी है। आप चाहो तो ऊपर, अगर नहीं आती आपको बनानी तो आप देख सकते हो, ऊपर लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके ये लीफ किस प्रकार बनाई थी पेपर से। दोनों साइड लगा देते हैं इस प्रकार से। देखिए बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है लीफ। देखिए हमारी घास भी सूख गई है, तो इसमें डाल देते हैं हम। और इसमें इसके ऊपर से हम कोई से भी फ्लावर, रेडीमेड फ्लावर, हैंडमेड फ्लावर लगा सकते हैं। जो मैं फ्लावर यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये वाले फ्लावर मैंने खुद अपने घर पे बनाए थे, अपने हाथों से, पॉलीथीन से बनाए थे। जो कि अगर आप देखना चाहते हो फ्लावर कैसे बनाए थे, तो आप ऊपर लिंक आ रही होगी उस पर क्लिक करके देख सकते हो वीडियो, ये फ्लावर कैसे बनाए थे। पॉलीथीन से बने हुए फ्लावर हैं ये, जो कि देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।